मरो, चीखो, चिल्लाओ। गुरु काल इज वेरी हैप्पी। बोम्बासा। कीड़े की इतनी हिम्मत कि ये मेरे कंधे पे आके बैठे, इसकी मौत ही इसकी सजा है। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? दादी ने तो बताया था कि आप जानवर और पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं। छोड़ दीजिए उसे पापा, छोड़ दीजिए। और वैसे भी हमें नरकिया पहुंचने में देरी हो रही है। ये मैंने क्या कर दी? दो पल के लिए मैं भूल गया था कि मैं प्रताप नहीं आदित्य हूँ। अगर अभी को सच्चाई पता चल गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अरे अभी बेटा, तुम तो घबरा गए। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हें भी मेरी तरह जीव जंतु से प्यार है या नहीं। अब ये देख। यार वेलकम दोस्त। पापा, हम हमें जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए। हम जितनी जल्दी नरकिया पहुंचेंगे उतनी जल्दी मम्मी को बचा सकेंगे। हाँ बेटी, चल उत्तर दिशा की ओर। पर पापा, कि अब तो पश्चिम दिशा में। तुम ये कैसे जानते हो? मैं खुद नर्क की आग से आया हूँ और सही दिशा मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। पर पापा, नर्क की आग का तो रास्ता मुझे कुछ तितली ने बताया था और वो तो जादू ही रख के रहने वाली है, वो कैसे गलत हो सकती है? तितली ने? हाँ पापा, आप भूल गए क्या? मैं जानवर पक्षियों से बात कर सकता हूँ। शाबाश, अभी मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हारी ये शक्ति अभी भी तुम्हारे पास है या नहीं। चलिए पापा, हमें जरा सा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम सफेद चूहे को तलाशना, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इस दानव लोक से नरकिया तक जाने का रास्ता बताएगा। थैंक यू दोस्त। चलिए पापा, अब हमें जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ अभी चलो, पर सबसे पहले ये चाबी मुझे दे दो, ये मेरे पास ज्यादा सुरक्षित है। ये नर्क है बेटा, दानव का लोक, यह मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। तुम चाबी मुझे दे दो। ये आवाज कहाँ से आ रही है बाबा? ये मैं नहीं जानता, तुम चाबी मुझे दे दो। अभी अभी चाबी मुझे दे दो अभी। बन गए, थोड़ा सा तो पानी दे दो। ओए प्लीज पानी दे दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पानी दो। ओए सुनाई नहीं दी जाएगी, थोड़ा पानी दो ना। बस बंद कर रहा चिल्लाना, वरना अंदर आकर तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। पर भरोसा करके हमें हमारी मोतियों का हाल ही नहीं भेजा था, पर अब तक तो हम दादी से भी नहीं मिले।
पर हम करें तो करें क्या?